मोबाइल जब भी आप फोटोग्राफी के लिए यूज़ करें, अपने जेब में से निकालें, तो सबसे पहला काम आपको करना है जो लेंस आप यूज़ करने वाले हैं वो लेंस को साफ़ करें। साफ़ करें कैसे? उसका एक स्पेशल कपड़ा आता है लेंस साफ़ करने का, जिसको समोई लेदर बोलते हैं। समोई लेदर अगर समझो आपको महंगा पड़ता है या नहीं मिलता है, तो चश्मा के साथ में जो चश्मा साफ़ करने का कपड़ा होता है जो सॉफ़्ट होता है, वो कपड़े से आप उसको हल्के हाथ से उसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, साफ़ करने के बाद जैसे ही आप कोई फ़ोटो निकालते हैं या कोई वीडियो शूट करते हैं, तो उसको कैसे पकड़ें? आमतौर पर क्या होता है, आदमी मोबाइल लेता है हाथ में और एक हाथ से ऐसे पकड़ता है और फ़ोटो खींचता है या तो शूटिंग करता है। शूटिंग करते करते चलते चलते शूटिंग कर रहा है, हिल रहा है, ढोल रहा है, सब चल रहा है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उसकी लेंस अच्छी तरह से साफ़ करें पहले, उसके बाद कैमरे को इस तरह से पकड़े दोनों हाथों से, ताकि उसकी जो ग्रिप है, ये ग्रिप जो है इसकी, ये अच्छी तरह से आपके दोनों हाथों में स्मूथली स्टेडीली उसकी ग्रिप मिले आपको, और उसको आप स्मूथली पैन टिल्ट या मोशन या तो चलना आप कर सके उसका। अगर आप एक हाथ से पकड़ते हैं तो वो उसका हिलना, टेढ़ा होना, अनबैलेंस होना एकदम नेचुरल है, हो सकता है, कभी कभी टेढ़ा भी हो सकता है, कभी सीधा भी हो सकता है, कभी ऐसे उल्टा भी हो सकता है और वाइब्रेट भी हो सकता है, बिकॉज एक तरफ सपोर्ट नहीं है उसको, सिर्फ एक तरफ सपोर्ट है। तो इफ़ यू होल्ड इट विद बोथ द हैंड्स, कीप इन माइंड कि आप आगे लेंस पे हाथ नहीं लगाएं, हाथ ऐसे रखें और दोनों हाथों से इस तरह स्मूथली पकड़ें उसको, और फिर आप अंगूठे से रिकॉर्ड दबाएं या तो स्टील का रिकॉर्ड बटन दबाएं, एंड देन यू कैन स्टार्ट स्मूथली स्लोली स्लोली। आपको मूवमेंट भी आप स्लोली कर सकते हैं ताकि शॉट्स आपके स्टेडी और साफ आए। आम तौर पे सब जितने मोबाइल के जो कैमरास हैं वो शटर पे काम करते हैं, ऑटोमेटिक शटर पे, तो कई जगहों पे जहाँ पे लाइट कम होती है तो शटर की स्पीड भी उसकी कम हो जाती है, तो आपको पता नहीं चलता है कि लो शटर स्पीड पे ये काम कर रहा है। तो थोड़ा सा भी जो आपका शेक है, हिलना है, वो आपको रिजल्ट में दिखेगा उसके, फ़ोटो में या वीडियो में, दोनों में। तो यू टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप हाथ में कैमरा लेते हैं, तो ग्रिप अच्छी तरह से पकड़ें उसकी और स्मूथली वॉकिंग वाला शॉट लें अगर लेना है आपको वॉक करके। ज़्यादातर अभी के जो भी जितने भी मोबाइल कैमराज आए हैं वो सब में चार लेंसेस होते हैं, चार लेंस बोलो या चार कैमरा बोलो, बिकॉज चारों के चारों लेंस इंडिपेंडेंट है, तो चार आप कैमरा भी बोल सकते हैं उसको। तो मेन उसमें होता है एक प्राइमरी लेंस होता है जो नॉर्मल, वो होता वाइड ही है लेकिन उसको नॉर्मल प्राइमरी लेंस कहा जाता है, उसका रेजोल्यूशन बेटर होता है सबसे। दूसरा होता है अल्ट्रा वाइड एंगल, जो उससे भी ज़्यादा वाइड होता है लेकिन उसका रेजोल्यूशन लो होता है। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा करके प्राइम लेंस पे ही आप शूट करें आमतौर पे। और तीसरा जो होता है वो 2x डबल ऑफ अ प्राइम लेंस, जिसको टेलीफोटो बोलते हैं हम, टेलीफोटो लेंस। पहले जो कैमरास में कैसे आता था कि एक ही लेंस में वाइड भी होता था और टेली क्लोजअप भी होता था, जिसको हम जूम लेंस बोलते थे। आप उसी एक ही लेंस को आप जूम करते थे तो वो आइधर क्लोज होता था या तो वाइड होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट सब अलग अलग दिया है, आइधर यू कैन शूट वाइड एक्स्ट्रा वाइड और यू कैन शूट टेली फिक्स टेली। और एक मैक्रो लेंस भी आता है इसमें, मैक्रो लेंस जो एकदम नज़दीक की चीज़ों को आपको शूट करने में यूज़ होता है वो। सो अल्टीमेटली एक ही मोबाइल फ़ोन में चार अलग अलग टाइप के आप लेंसेस बोलो आप या कैमरा बोलो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। आज का सब्जेक्ट है मोबाइल फ़ोन कैमरा ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले अपन जैसे ही मोबाइल कैमरा अपने हाथ में लेते हैं तो उसका
एक कैमरे का आइकॉन हर किसी में दिखता है आपको, जैसे इसमें ये नीचे दिख रहा है आपको, ये उसको मैंने क्लिक किया, ये मेरा कैमरा ऑन हुआ। उसमें जैसे कैमरा ऑन होता है ना, तो आपका फोकस ऑटोमेटिक पे चला जाता है, एक्सपोजर और फोकस, मतलब जिस चीज़ की तरफ कैमरा है उस पर कितनी लाइट गिर रही है उसके हिसाब से वो रीडिंग लेता है और उसको फोकस करता है। जैसे आप कैमरा घुमाते हो तो अपने आप उसका फोकस भी चेंज होता है और उसका एक्सपोजर भी चेंज होता है आपकी स्क्रीन में जो फीलिंग है उसके हिसाब से। तो अगर आपको समझो किसी चीज़ को लॉक करना है, समझो जैसे कि अपने समझो एक बार पहले उसको एक बार क्लिक किया स्क्रीन पे, तो वो फोकस वहाँ पे दिखाता है, फोकस वहाँ पे हो जाता है। जैसे ही आप उसको शिफ्ट करते हैं ना, तो वहाँ से फोकस भी और शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। अगर समझो आप चाहते हैं कि फोकस वैसा का वैसा ही पड़ा रहे, तो आपको उस पर्टिकुलर जगह को प्रेस करके रखना है। कंटिन्यूस प्रेस करके रखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको लॉकिंग का ये दिखाता है, ताला दिखाता है वो। तो उसका मतलब वहाँ पे जो फोकस और एक्सपोजर है वो आपका लॉक हो गया वहाँ पे। अब जैसे ही आप इसको घुमाते हैं वहाँ से यहाँ पे, तो चेंज कुछ नहीं होता। देखो ये अनक्लियर है, ये आउट ऑफ फोकस इसको बोलते हैं, और एक्सपोजर भी यहाँ का है, एक्सपोजर भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो जो मूवमेंट जो होती है एक्सपोजर चेंज होने का, तो झटका जो लगता है वो झटका इसमें नहीं लगेगा आपको, बिकॉज वो यहाँ पे लॉक हो गया है। आपकी कैमरा मूवमेंट आप कहीं पे भी करो, यहाँ से बाहर लेके जाओ, देखो बाहर ओवर एक्सपोज ज़्यादा लाइट है तो ये ओवर ही दिखाएगा आपको। ये जो लाइट है, ये लाइट को और उसके एक्सपोजर को उसने लॉक कर दिया यहाँ पे, मतलब इसमें से वेरिएशन नहीं होएगा क्योंकि ये लॉक है। आप कैमरा कहीं पे भी लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, शिफ्टिंग नहीं होएगा उसका, फोकस और आपका जो एक्सपोजर है वो यहीं का यहीं जो है वही का वही दिखाएगा आपको। तो कई बार ये यूज़फुल भी होता है और कई बार ये नेगेटिव भी होता है। आम तौर पे आप जब शूट करते हैं तो मेरे हिसाब से इसको ऑटो पे रखिए, ताकि आप इसको जैसे आप घुमाते हैं ना, तो जहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो अपने आप वो लाइट के हिसाब से उसको चेंज करता है एक्सपोजर। फिर एक बार दबाइए उसको तो वहाँ का फोकस भी कर देता है वो। वैसे ही आप वहाँ से घुमा के इधर कम लाइट में लाते हैं तो यहाँ का एक्सपोजर ले लेता है, और यहाँ पे एक बार दबाओ तो यहाँ का फोकस कर लेता है। साउंड की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ये जो मोबाइल का इंटरनल माइक है उसकी रिकॉर्डिंग है, और अभी एक एक्सटर्नल माइक लगा के अपन चेक करते हैं उसका साउंड। ये अभी मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया है और उसका ऑडियो लेवल चेक करते हैं, दो में से कौन सा बेटर है, मोबाइल का बिल्ट इन इंटरनल माइक या ये जो एक्सटर्नल लगाया है वो। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें प्लेबैक करके, तो जो कैमरे का आपका मोबाइल फ़ोन के कैमरे का जो बिल्ट इन माइक है वो ऐसे बहुत पावरफुल है, बहुत मतलब इसमें आप देखा होगा इसमें आवाज़ भी उसकी ज़्यादा शार्प और ज़्यादा हाई है, बट क्या है एम्बियंस बहुत पकड़ता है, आसपास का डिस्टर्बेंस जो होएगा वो भी ज़्यादा पकड़ेगा। ये अपन साउंड की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ये जो मोबाइल का इंटरनल माइक है उसकी रिकॉर्डिंग है, जबकि जब अपन ने एक्सटर्नल माइक लगाया तो आजू बाजू की जो डिस्टर्बेंस है एम्बियंस आवाज़ जो है वो एकदम कम हो गई, वो आपका जो आपकी जो आवाज़ थी वो ज़्यादा साफ हो गई, बाजू का जो डिस्टर्बेंस है वो निकल गया इसके लिए। ये अभी मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया है और उसका ऑडियो लेवल चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको एक्सटर्नल माइक कभी काम आता है जब एम टू एम मतलब माउथ टू माइक का जो डिस्टेंस है आपका वो जब बढ़ जाता है। आप कैमरे के माइक में जब तक वो कैमरा आपके नज़दीक है, माउथ और माइक का डिस्टेंस समझो, जैसे मैंने इसमें किया था 2 फुट का भी डिस्टेंस नहीं था, तब तक वो बहुत अच्छा पकड़ेगा। बट द मोमेंट कैमरा गोज़ फार फ्रॉम योर माउथ, फ्रॉम
द प्लेस जहाँ से आवाज़ निकल रही है, तो वो आवाज़ आपकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तब आपको ये एक्सटर्नल माइक बहुत काम का होता है। आप कितना भी दूर आपका कैमरा होगा, माइक आपके पास रहेगा। तो एम टू एम जो है, माउथ और माइक का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन्ड है, नज़दीक है, जबकि बिल्ट इन माइक जो होता है कैमरा के साथ में दूर चला जाता है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन दैट। तो एक्सटर्नल माइक ऐसी जगह पे आप यूज़ कर ले। बाकी एवरेज आमतौर पे जो भी शॉट लेते हैं आप, उसमें आप कैमरे का माइक यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस एंड वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। जब भी आप फ़ोटो निकालते हैं तो एक सही फ़ोटो के अलावा दो गलत फ़ोटो भी निकल सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर एक्सपोज एंड ओवर एक्सपोज। जो सही फ़ोटो ही होती है ना, वो एकदम परफेक्ट होती है, और अंडर एक्सपोज जो होती है वो थोड़ी डार्क होती है, और जो ओवर एक्सपोज होती है वो हल्की सी, जितना मतलब हल्की सी या ज़्यादा वॉश आउट होती है। वॉश आउट मतलब ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिल जाता है, जो मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाता है। अगर कैमरे की भाषा में बोलें उसको, तो कैमरे की ओपनिंग जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है, और अंडर एक्सपोज में जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है उसकी ओपनिंग, मतलब क्लोज हो जाता है ज़्यादा। इसके लिए मतलब तीन पिक्चर होती है, एक नॉर्मल, एक अंडर एक्सपोज और एक ओवर एक्सपोज। देखते हैं अपन अंडर एक्सपोज और ओवर एक्सपोज में कैसे क्या फ़र्क आता है। जैसा कि आपको मैंने पहले समझाया, आप इसको एक बार दबा के रखते हैं तो ये लॉक हो जाता है एक्सपोजर। अभी ये जो है ये ठीक लग रहा है। आप अगर समझो इसका एक्सपोजर चेंज करना चाहते हैं, तो ये साइड का जो स्लाइडर है उससे आप उसको नीचे करेंगे तो ये कम होते जाता है। ये हो गया अंडर एक्सपोज। अब जब इसको ऊपर करते हैं आप, तो ये ओपन होता है, और ये ज़्यादा अगर ओपन हो जाता है तो इसको बोलते हैं ओवर एक्सपोज। तो परफेक्ट एक्सपोजर जो है वो ये है।